আর বক্তব্য শেষ করছি। জয় শ্রীরাম, জয় ভারত। बोलिए भारत माता की। अमित शाह जी स्वागत, तालियां बजाकर दोनों हाथ ताली दी। अमित शाह जी स्वागत, अमित शाह जी स्वागत। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, एग्रा वालों को क्या हो गया है, इतनी कम आवाज में बोलेंगे क्या? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? जोर से बोलिए, सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? अगर सरकार बदलनी है तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे महासचिव और यहां के प्रभारी श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे वरिष्ठ नेता और सांसद शिशिर अधिकारी जी, हमारे सांसद हरीश द्विवेदी जी, आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिनको आपको विधायक बनाना है, ऐसे हमारे एगरा के प्रत्याशी भाई अरूप दास जी। अरूप आ गया हो, आ गया हो, पतासपुर के प्रत्याशी अम्बुजाक्ष जी आइए, आगे आइए अम्बुजाक्ष जी। कांटी दक्षिण के प्रत्याशी दूसरे अरूप दास है, इनके लिए भी ताली बजाओ जोर से भाई। जिलाध्यक्ष अनूप चक्रवर्ती जी और विशाल संख्या में रोड पर भी हजारों की संख्या में खड़े हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं इस बंगाल की पवित्र भूमि को जन्म दे प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हजारों हजारों वीरों को, स्वतंत्र सेनानियों को जन्म देने का काम किया है। ये भूमि मां मातंगिरी हजरा की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर उनको चुनौती देने का काम किया था। ये भूमि सुशील कुमार धारा जैसे क्रांतिकारियों की भूमि है। ये भूमि सतीश चंद्र सामंत और सूर्यकांत त्रिपाठी, सतीश कुमार सामंत जैसे आजादी के लड़वइयों की भूमि है। ये भूमि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे प्रख्यात कवि की भूमि है। आवाज आ रही है भाई, आ रही है वहां? ये पुलिस वाले जरा बैठ जाओ नीचे, आप तो उनको दिखाई दे पड़े, बैठ जाओ जरा। मित्रों, आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, आप सबके समक्ष प्रार्थी हूं। मैं आज बंगाल के इस कोने में एगरा की धरती पर आपको बताने आया हूं, 37 साल से पहले कम्युनिस्टों की सरकार चुनी और फिर आपने दीदी की सरकार चुनी, इसने बंगाल का भला नहीं किया। कम्युनिस्टों से आप परेशान थे, दीदी ने वादा किया कि हम परिवर्तन करेंगे, मां माटी मानुष का नारा दिया। मुझे बताइए भाई, परिवर्तन हुआ है क्या? जोर से बोलो, दीदी माता है, दीदी भी बताए, परिवर्तन हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? मित्रों, परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी घुसपैठ हो रही थी, आज भी घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताइए, आप लोग बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या ममता दीदी घुसपैठियों से मुक्त कर सकती है क्या? कर सकती है क्या?
आप मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, 5 साल में ही हम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे, 5 साल के अंदर ही। मित्रों, बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बोले, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये दुर्गा पूजा करने के लिए आप लोगों को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, सरस्वती पूजा करने के लिए शिक्षकों को मारा जाता है, और बंगाली भाषा की बात करने वाले शिक्षक को पुलिस गोली मारती है। ऐसी सरकार चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? मैं आपको बताने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को इस बंगाल की भूमि पर कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों, कोई नहीं रोक पाएगा। हर काम के अंदर एक टैक्स कट मनी देना पड़ता है, टोलबाजी हो रही है, और ममता दीदी कहती है 500 रुपया लिया उसमें क्या गया? अरे ममता दीदी, आपकी बात अलग है, भतीजे का कट मनी आपके पास आता है, गरीब बंगाल के मजदूर का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है, मेरे मछुआरे का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। बताओ भाइयों, एक कट मनी और टोलबाजी बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ममता दीदी कहती है 500 रुपये में क्या है, हम कहते हैं 5 आना भी आपका टोल मनी और कट मनी में नहीं जाएगा, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। मित्रों, यहां पर पंचायत के चुनाव हुए, आपको वोट नहीं डालने दिया गया, प्रत्याशियों को मारा गया, व्हाट्सएप पर फॉर्म लिए गए। मुझे बताइए, चुनाव भय रहित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपना वोट डाल पाए ऐसी व्यवस्था चाहिए या नहीं चाहिए? डरिएगा मत, इस बार ममता दीदी के गुंडों को दिन में तारे दिखाई पड़ने वाले हैं, दिन में तारे दिखाई पड़ने। ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आपको वोट डालते हुए रोक नहीं पाएंगे। आप निर्भय होकर कमल की सरकार चुनिए, दीदी के गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, ममता जी भतीजे को सीएम बनाना चाहती है। भतीजे को जानते हैं ना आप? जानते हैं नहीं जानते हैं? और मोदी जी सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। भतीजे को सीएम बनाना है या सोनार बांग्ला बनाना है, बताइए भाई, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, सोनार बांग्ला बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार ला दीजिए, 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला का निर्माण करेंगे। मित्रों, एक क्षेत्र मछुआरों से भरा हुआ क्षेत्र, मैं आज कहने आया हूं कि हम किसानों को हर महीना हर साल 10,000 रुपया देंगे, और 18,000 रुपया जो ममता दीदी ने नहीं दिया है वो भी देंगे। इसके साथ साथ मछुआरों को भी हर साल 6,000 रुपया की सहायता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, हम सोने के कारीगरों से भरे हुए क्षेत्र में भी उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जो कि 5 लाख तक का बीमा, 5 लाख तक का आपका खर्चा दे सकती है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये 5 लाख तक का खर्चा आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये ममता दीदी नहीं देती है, ये सरकार को उखाड़ कर फेंक दो, 5 लाख तक का पूरा आपका
स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, 67 से बंगाल ने ऐसा किया, 67 से कि यहां पर एक पार्टी की सरकार, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार। इस बार मौका है, केंद्र में तो मोदी जी है ही, यहां पर कमल की सरकार ला दो, ये डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का भला करेगी। मित्रों, बंगाल का भला करेगी। मित्रों, यहां के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि सरकार बनते ही 7वां वेतन आयोग यहां के सरकारी कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। शिक्षकों की तनख्वाह को भी, शिक्षकों की तनख्वाह को भी हम बढ़ाने वाले हैं। और मैं आज कहने आया हूं, हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या करी है। तृणमूल के गुंडे न समझे कि वो बच गए हैं। 2 मई को ये सरकार जाएगी और हमारे कार्यकर्ता को मारने वाले को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का हम काम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि माहिष्य समाज को हम ओबीसी के अंदर हिस्सा देंगे और ओबीसी रिजर्वेशन माहिष्य समाज को देंगे। महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। मित्रों, हमने तय किया है कि यहां पर एक ऐसी सरकार लाएंगे जिस सरकार के रहते बंगाल के युवा को बंगाल के बाहर रोजगारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये जो तुष्टीकरण हो रहा है, ये जो घुसपैठ हो रही है, उसको भी रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आप सब बताओ, आने वाले चुनाव में आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जोर से बोलो, दबाओगे? हमारे तीनों प्रत्याशियों को, आ गया हो भाई तीनों प्रत्याशी, हमारे तीनों प्रत्याशियों को, पांच है, आ जाओ भाई, चार, हमारे सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताकर विधायक बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे और सोनार बांग्ला बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे सोनार बांग्ला? तो मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करिए, खड़े करिए दोनों हाथ, इस और भी सब लोग खड़ा करें, दोनों हाथ खड़े करिए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। Hello.